गोरखनाथ पुलिस ने सक्रिय अंतरराज्यीय शातिर मोबाइल चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने पकड़े गए चोरों के कब्जे से 24 एंड्रॉइड मोबाइल फोन, एक अवैध तमंचा और एक धारदार हथियार बरामद किया। पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान रवीउल शेख पुत्र जमाल शेख निवासी कलियाचक सुल्तानगंज थाना कलियाचक जिला मालदा पश्चिम बंगाल, जमीरुल शेख पुत्र दविरुद्दीन निवासी कलियाचक सुल्तानगंज थाना कलियाचक जिला मालदा पश्चिम बंगाल, राहुल कुमार पुत्र संजय लोनिया निवासी बाबूपुर टिम्पाहार थाना राजमहल जिला साहेगंज झारखंड, संतोषी देवी उर्फ वैशाली पत्नी अर्जुन महतो निवासी बाबूपुर टिम्पाहार थाना राजमहल जिला साहेगंज झारखंड, मुन्ना कुमार पुत्र संजय लोनिया निवासी बाबूपुर टिम्पाहार थाना राजमहल जिला साहेगंज झारखंड के रूप में हुई है। इस संबंध में सीओ गोरखनाथ रत्नेश सिंह ने बताया कि गोरखनाथ थाना प्रभारी रामज्ञा सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा सक्रिय अंतर जनपदीय गिरोहों को पकड़ने में पुलिस टीम को सफलता प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि यह शातिर चोर हुमायूंपुर उत्तर हरिजन बस्ती में किराए का मकान लेकर रहते थे। ये पांचों शातिर चोरों में एक महिला भी शामिल थी जो इन चोरों की मदद करती थी। पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि ये सभी चोर देवानंद हुमायूंपुर के मकान में रहते थे। वहीं से पुलिस ने सभी को पकड़ा। पूछताछ में पकड़े गए चोरों ने बताया कि हम सभी लोग चोरी के लिए नाबालिग बच्चे का इस्तेमाल करते थे। चोरी करने के लिए सभी चोर अलग अलग स्थानों पर जैसे सब्जी मंडी, दुकान, भीड़भाड़ आदि जगहों पर फैलकर ग्राहकों से किसी न किसी बहाने शरीर से सटकर मोबाइल चोरी कर लेते थे और जब मोबाइल इकट्ठा हो जाता था तो दूसरे प्रांतों में जाकर बेच देते थे। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थाना गोरखनाथ प्रभारी निरीक्षक रामज्ञा सिंह, उप निरीक्षक गजेंद्र बहादुर सिंह, उप निरीक्षक दिनेश तिवारी, हेड कांस्टेबल अजय नारायण सिंह, कांस्टेबल विनोद यादव, महेंद्र पटेल, सुधीर सिंह, इम्तियाज अली और अंशु यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ गोरखनाथ रत्नेश सिंह ने कहा गोरखनाथ थाने के अंतर्गत एक अंतर्राज्यीय मोबाइल चोरी करने वाले सदस्य को पकड़ा गया है जो अलग अलग झारखंड और बंगाल राज्यों से आकर और मोबाइल आदि की चोरी कर सकते हैं। इस चोरी के क्रम में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 24 एंड्रॉयड फ़ोन जिनकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए है उसको बरामद किया गया है। इसके अलावा इनके पास से एक तमंचा और एक धारदार लोहे का हथियार भी प्राप्त हुआ है। अभी इन हिंदुओं पर जानकारी की जा रही है, जाँच की जा रही है कि ये मोबाइल्स को कहाँ ले जाकर बेचते हैं। बंगाल और झारखंड के इन लोगों के पास ये मोबाइल जाकर बेचा जाता था। इस पूरे गतिविधि में ये लोग छोटे बच्चों का भी प्रयोग करते थे, इनकी क्या भूमिका थी, इसके अलावा इनका क्या आपराधिक इतिहास उन जगहों पर रहा है झारखंड और बंगाल में, इसकी भी जाँच की जा रही है और जल्दी ही इसका भी आगे का खुलासा किया जाएगा और वहाँ से भी संबद्ध जो भी इसमें अपराधी हैं उनको हम लोग पकड़ेंगे। अभियुक्त इसमें जो मुख्य सरगना है रवीउल शेख पुत्र जमाल शेख निवासी, ये सुल्तानगंज थाना कलियाचक जिला मालदा पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। ये छोटे बच्चों को लाते थे और उनके साथ किराए पे कमरा वगैरह लेकर रहते थे। उसके बाद आसपास की मंडियों में जाकर जो मोबाइल आदि लोग लेकर जाते हैं उनकी जेब से निकाल लेना या उन्हें धक्का देकर मोबाइल को गिरा देना और उसके बाद लेकर चले जाना, इस प्रकार से ही काम कर रहे हैं। अभी तक इनके पास से कुल 24 एंड्रॉयड फ़ोन मिले हैं जिसमें इन्होंने थाना गोरखनाथ क्षेत्र के अंतर्गत स्थित कई बाजारों और मंडियों में इन घटनाओं को अंजाम दिया है।